बाबा गंगाराम जी ने अपने पुत्र को सारी लीला सौंपी, भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी के नाम से जो जाने जाते हैं। देखो संसार में आया उसको जाना तो सबको ही पड़ता है। जब अग्नि संस्कार होता है तो चिता के ऊपर रखते हैं तो हाथ पीछे में दबा देते हैं, ये सब जानते हैं। तो नियमानुसार सब कुछ वैसे ही हुआ। जब अग्नि संस्कार हो चुका, हो चालू हो गई अग्नि, तो इतना शरीर वो सारा चित्र में दिखता है, कोई बनाए हुए नहीं है, वो चिता के चित्र हैं। इतना शरीर अग्नि का हो चुका, बाकी में अग्नि चल रही थी। जब मैंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की दोनों हाथ ऊपर करके, हे सूर्य देव, मंदिर के सारे देवता खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, चिता के पास, और सारे वैदिक हैं, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, हनुमान जी, शिव परिवार और बाबा विष्णु के अवतार गंगा राम जी हैं और उनके भक्त चिता पे सोए हुए हैं। तो हे सूर्य देव, हे पृथ्वी माता, हे अग्नि देवता, अग्नि कौन सी, चिता की, आप सब तो साक्षी हैं कि हम कितने कष्ट सहे हैं, पूरा परिवार हमारे साथ, समाज हमारे साथ, पीहर ससुराल सारे होते हैं, लेकिन कोई भी हमारा साथी बनना तो दूर रहा, सबने बाण चिभोए हैं कि बाण विष का भरा बोल मारे, घाव हृदय का कहीं दिखाऊं, हमारी भाषा में है कि विष के में डबो डबो करके बाण मार रहे हैं, लेकिन घाव जो अंदर में होते हैं वो किसको दिखाएं। हे सूर्य देव, क्या आप भी मौन है, क्या अग्नि देवता तू भी मौन है, पृथ्वी माता तू भी मौन है, क्या सब मौन हो गए, इस इतिहास का और आज इनके जाने का कुछ ऐसा दीजिए जिससे जगत उसको कोई भुला नहीं सके, ऐसा परिचय कराओ जगत को कि जिसको इतिहास भुला नहीं सके। चिता में गड़गड़ाहट हुआ, पीछे से दबा हाथ झटके से बाहर आया, पूरे हाथ में अग्नि जल रही, जैसे कपड़े में अग्नि जल रही है, और आशीर्वाद देता रहा। 4.5-5 मिनट तक आशीर्वाद दिया, उसके बाद चेहरा बाल रूप हो गया, जैसे फिर अग्नि की गोद में जन्म हो गया हो। उसके बाद शिखा से जल की धारा निकली, यहाँ चोटी की जगह से, वो 1.25 घंटा तक चली। तो चिता की अग्नि साक्षी है, साक्षी है ये स्थान, सौ में फिर से शिव जागा था, विष्णु का वरदान, वरना मृतक शरीर ने कोई हाथ उठा नहीं पाता। सिर से प्रगट भई सुरसरी धारा, पल में पुनित किए जग सारा। तो अपने सत्य की परीक्षा कहाँ दी, अग्नि के ऊपर चढ़ करके। हम लोगों की वाणी में कुआवट है कि सांच को आँच नहीं है, मतलब सच्चाई को अग्नि भी नहीं छू सकती है। तो सत्य की मूर्ति को अग्नि देवता भी भक्षण नहीं कर सके। तो मतलब उस टाइम जो जनता थी, खड़ी थी, तो वो सब देख रही हैं, विद्वान भी थे, हंसी वाले भी थे, तमाशे वाले भी थे, शत्रु मित्र सब होते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। कि हे प्रभु, न शास्त्र में पढ़ा न कान से सुना, ये क्या देख रहे हैं हम, जड़ चेतन चेतन जड़ होई, चित्र लिखे से भय सब कोई। सत्य के ऊपर शाइन ईश्वर का होता है। आपको डिग्रियां राज की, समाज की, कॉलेज की, सबकी मिलेगी, लेकिन सत्य की डिग्री कौन देंगे, सच्चिदानंद भगवान।